जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए नई वैकेंसीज निकाली गई है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वैकेंसीज है, डीएससी की भर्ती है और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है अर्जेंट रिक्वायरमेंट एक्सेसमैन एट वेदांता जमखानी माइंस उड़ीसा में, और यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी जिसमें कि एक्सेसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी सीआरपीएफ बीएसएफ एसएसबी और अदर पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वैकेंसीज है। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। जमखानी माइंस उड़ीसा में है और यहाँ पर आप देखिए पोजिशन है, लास्ट रैंक है, एज है और सैलरी है। सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पर है असाइनमेंट मैनेजर की वैकेंसी है, इसके लिए कैप्टन एसएस या फिर कैप्टन ऑनरी कैप्टन या इक्वावेलेंट इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अप टू 50 ईयर तक इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और सैलरी यहाँ पर दी जा रही है 201 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, साथ में फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। दूसरी वैकेंसी है सिक्योरिटी ऑफिसर की, ऑनरी कैप्टन चाहिए इसके लिए या लेफ्टिनेंट होना चाहिए। अप टू 50 ईयर तक यहाँ पर लिया जा रहा है, 65,000 रुपये सैलरी दी जा रही है प्लस फ्री एकोमोडेशन आपको दिया जा रहा है। अगली वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, 18 वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि जीसीओ एंड इक्विवेलेंट अप टू 50 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी यहां पर है 36,554 रुपये, साथ में फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। अगली वैकेंसी आपको मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की, 54 वैकेंसीज हैं, सिपाही टू हवलदार एंड इक्विवेलेंट सभी इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। अप टू 50 ईयर तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 28,500 रुपये और फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। अगली जो वैकेंसी आपको मिलेगी पीएसओ की वैकेंसीज है जिसमें कि 10 वैकेंसीज है, आर्मी रैंक विद पिस्टल होना चाहिए, एनी रैंक विद पिस्टल होना चाहिए और सभी इसके लिए अवेलेबल होंगे, आर्मी एयरफोर्स नेवी पैरामिलिट्री फोर्सेज के, अप टू 50 ईयर तक और सैलरी यहाँ पर दी जा रही है 41,554 रुपये और फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। तो ये सभी वैकेंसीज आपको मिलेगी और इसके लिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसमें कि पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि पीएफ ईएसआई जो है गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा सैलरी के अलावा। उसके अलावा कॉमन मेस फैसिलिटी अवेलेबल होगी ऑल सभी के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मंथ यू मे बी प्लेस्ड इट एनी वेदांता प्लांट माइंस इन उड़ीसा, जहाँ भी आप उड़ीसा में वेदांता माइंस में वेदांता प्लांट में रहेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन मेस फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अभी इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर नंबर दिया गया 9337625277। कॉल करने का जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, एक्सेसमेंट आई कार्ड, पीपीओ आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, सरपंच करेक्टर सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स 6 और साथ में फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक और कैंसिल चेकबुक दोनों में से एक। तो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको दी जा रही है, 1 लाख तक भी सैलरी है और आर्मी एयरफोर्स नेवी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जितने भी हैं सीआरपीएफ बीएसएफ एसएसबी हो या फिर सीएसएफ हो सभी इसके लिए अप्लीकेबल रहेंगे। और लोकेशन जो है जॉब का वो है जमखानी माइंस उड़ीसा के अंतर्गत। अभी दूसरी जो वैकेंसीज है 25/5/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी फॉर फार्मिंग एंड एक्टिविटी सेंटर, यहाँ पर फ्री में आपको फार्मिंग एंड एक्टिविटी सेंटर के लिए यहाँ पर पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। वी आर लुकिंग फॉर एक्सेसमैन टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड एक्टिविटी सेंटर एट चेलापलाई, और चेलापलाई कहाँ है वो मैं आपको बताऊँगा। वी आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली शेयर द रिक्वेस्ट अमॉन्ग योर ग्रुप्स टीम्स, इसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना होगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो निकाली गई है ऑफिस दी ऑफिसर्स इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर ऑफिस तेलंगाना की ओर से निकाली गई है। तो यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहा होगा तेलंगाना के पूर्व सैनिक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगली जो वैकेंसी है महाराष्ट्र एक्सेसमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मेस्को की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर DGR वैकेंसीज आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की 65 पोस्ट हैं। एम्स के लिए यहाँ पर जो है जॉब है मंगलागिरी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। SSC आपका एजुकेशन होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 58 ईयर तक इसके लिए अप्लीकेबल है और एट पर DDR के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी जो कि एरिया बी के अंतर्गत पड़ता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है तो मोबाइल नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की 2 वैकेंसी और है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकाली गई है। वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में जॉब लोकेशन है। SSC पास होना चाहिए, बिलो 58 ईयर, एज पर DGR के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एरिया सी के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर भी नंबर दिया गया है तो इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगली वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है, 6 वैकेंसीज गेल इंडिया लिमिटेड में है और यहाँ पर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जॉब लोकेशन है। SSC एजुकेशन होना चाहिए और बिलो 55 ईयर इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। DGR C के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी एरिया सी में। मोबाइल नंबर दिया गया तो मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें जो यहाँ पर है। अगली वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, 60 वैकेंसीज है। RTT सेंटर में हैदराबाद जॉब लोकेशन है। SSC पास होना चाहिए दोस्तों और बिलो 56 ईयर इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। एट पर DGR के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और मोबाइल नंबर दिया गया है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आपको मिलेगी ये है DRDO की ओर से निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर R&D स्पेशल मेंटेनेंस नागपुर की ओर से 3 मई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लरिकल स्टाफ की वैकेंसी आपको मिलेगी और यहाँ पर बताया गया है कि देयर ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 5 एक्सेसमेंट क्लर्क GCO NCO क्लर्क ऑन कॉन्टैक्ट बेस पे हु हैज़ ए एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन एडम सेक्शन अकाउंट सेक्शन कैशियर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको काम आता है तो आप इन वैकेंसीज को यहाँ पे देख सकते हैं। वर्क ऑन कॉन्टैक्ट सेक्शन एडम सेक्शन अकाउंट सेक्शन और कैशियर में इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड डिटेल्स लिस्ट अलॉन्ग विद ईयर एट एक्स GCO NCO क्लर्क अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर आवर फर्दर नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो ये जो लेटर है ये लिखा गया है ऑफिस इंचार्ज जिला सैनिक बोर्ड सिविल लाइन नागपुर को। तो यहाँ पर जो भी नागपुर के पूर्व सैनिक है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने जिला सैनिक बोर्ड में, वहाँ से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है जिसमें कि GCO NCO क्लर्क वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगली वैकेंसी जो है DSC की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे है कंडक्ट ऑफ री इनरोलमेंट ESM इंटू DSC। यहाँ पे बताया गया है कि द ESM NCO आर वॉलेंटरी गेट ए रिनोलमेंट इन DSC एंड हैव ऑलरेडी फिल्ड दियर एप्लीकेशन टू DSC विद फॉर फॉलोइंग QR अलॉन्ग विद दियर QR एज मैंसन इन SOP नंबर इतना। यहाँ पे बताया गया कि रिपोर्ट टू AAD सेंटर ऑन 18 जून 2024 को आपको रिपोर्ट करना होगा। नो इंडिविजुअल विल बी एक्सेप्टेड देयर आफ्टर, यानी कि 18 जून के बाद जो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। दी स्क्रीन टेस्ट विल बी कंडक्ट 21 जून 2024 को यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट होगा। ऑल इंडिविजुअल रिपोर्टिंग टू AAD सेंटर शुड ब्रिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी यहाँ पर आएंगे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा। यहाँ पर जो GD के लिए है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 21 जून 1978 से पहले नहीं होना चाहिए और जो कलर के लिए है उनका डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1976 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 ईयर गैप विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एसओएस फ्रॉम आर्मी फॉर GD कैट। GD जो कैटेगरी है उसके लिए जो है आपका जो गैप है जब से आप रिटायर आए हुए हैं SOS हुए हैं तब से लेके भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट SOS फ्रॉम आर्मी बिफोर जून 2022 से पहले नहीं होना चाहिए आपका SOS यानी कि रिटायरमेंट। और 5 ईयर गैप विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ SOS फ्रॉम आर्मी फॉर क्लरिकल कैटेगरी के लिए जो
जून 2019 से पहले जो आए हैं उससे पहले नहीं होना चाहिए, जून 2019 के बाद आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबव इज रिक्वेस्टेड दैट वाइड पब्लिसिटी, यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी किया जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक ऑफिस के बताया जाए जिसमें कि मैक्सिमम पूर्व सैनिक यहाँ पे आ सकते हैं। एनसीओआर ऑफ द कॉर्पस ऑफ एएडी कैन यूटिलाइज द आई बिड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जो भी एएडी के हैं वो इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल रहेंगे और उनको यहाँ पर भर्ती का मौका दिया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।